शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया को जिम्बाब्वे ने करारी हार थमाई है। दरअसल टीम इंडिया जो है शुभमन गिल की अगुवाई में आज मुकाबला खेली, 5 मुकाबले अभी और खेलेगी और ऐसे में टीम इंडिया को करारी हार पहले ही T20 में थमा दी है जिम्बाब्वे की टीम ने। इस मुकाबले की अगर बात की जाए तो जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बल्लेबाजी की और पहले बल्लेबाजी करते हुए 115 रन बोर्ड पर लगाए और 115 रन एक वक्त ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया आसानी से ये चेज कर लेगी, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो चेज करते वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई टीम इंडिया को और जिस वजह से इंडिया की टीम को 13 रनों से करारी हार थमाई है जिम्बाब्वे की टीम ने। इस मैच की अगर बात की जाए तो जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 115 रन बोर्ड पर लगाए, जहां पर बेनेट ने काफ़ी ठीक ठाक बल्लेबाजी की, शुरुआत 2-3 बल्लेबाजों को मिली लेकिन वो उस शुरुआत को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए एक बड़ी पारी में और ऐसे में इंडिया के गेंदबाजों ने काफ़ी कमाल की गेंदबाजी की, जिसमें अगर देखा जाए तो आवेश खान ने अच्छी गेंदबाजी की, रवि बिश्नोई ने तो अपने करियर का बेस्ट स्पेल डाले जिसमें 4 ओवर में 4 विकेट्स अपने नाम किए और 2 मेडन ओवर भी डाले। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो बिश्नोई, आवेश खान, मुकेश कुमार, ये तमाम गेंदबाजों की कमाल की गेंदबाजी की वजह से इंडिया की टीम ने 115 रनों पर जिम्बाब्वे की टीम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब जब इंडिया की टीम बल्लेबाजी करने आई तो पावर प्ले में ही इंडिया की टीम ने 4 बड़े विकेट्स खो दिए। इसके बाद शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल ने पारी संभालने की कोशिश की तो ध्रुव जुरेल आउट हो गए और उसके बाद शुभमन गिल का वो बड़ा विकेट जिम्बाब्वे की टीम को मिला और उस विकेट ने इस पूरे मुकाबले की काया ही पलट दी। शुभमन गिल ने 31 रनों की पारी खेली और वॉशिंगटन सुंदर अंत में इन्होंने पारी संभालने की कोशिश जरूर की लेकिन कुछ खास ये भी नहीं कर पाए और जिस वजह से अगर देखा जाए तो टीम इंडिया को एक करारी हार जिम्बाब्वे की टीम ने थमाई है। अब देखना होगा किस तरीके से टीम इंडिया आगे आने वाले मुकाबलों में प्रदर्शन करती है और खासकर जो दूसरा T20 मैच है जो कि कल ही खेला जाना है उसमें किस तरीके से टीम इंडिया उतरेगी, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। लेकिन टीम इंडिया 102 ही रन बना पाई और कहीं ना कहीं अगर देखें तो एक शर्मनाक हार टीम इंडिया को मिली है। टीम इंडिया को इस शर्मनाक हार के बाद कहीं ना कहीं अगर देखें तो बड़ा झटका भी लगा है। ये इस साल की टीम इंडिया की पहली T20 इंटरनेशनल हार है और इसी के साथ अगर देखें तो टीम इंडिया जो है 12 मैचेस लगातार जीतते हुए आ रही थी और ये विनिंग स्ट्रीक भी टीम इंडिया की टूट चुकी है। तो अब देखना होगा शुभमन गिल अब किस तरीके से कमबैक करते हैं। वहीं अगर जिम्बाब्वे की गेंदबाजी की बात की जाए तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, चतारा और सिकंदर रजा ने 3-3 विकेट्स अपने नाम किए और इस तरीके से जिम्बाब्वे की टीम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इस मुकाबले को 13 रनों से जीत लिया। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।